तो डैशबोर्ड में इन बटन्स का क्या इस्तेमाल होता है, किस तरह से इस्तेमाल होता है, ये चीजें हम आपके साथ सीखने वाले हैं, राइट। तो एक बार यहां हम एक डैशबोर्ड बनाते हैं। सबसे पहले तो यहां पे हम डैशबोर्ड का एक ये देते हैं, एक एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। फॉर्मेट पहले वाला जरूरी है ना, सेल्स डैशबोर्ड 2021। चलिए, इसको मर्ज नहीं किया था मैंने, इसको मर्ज कर दिया सेंट्रल, अब बड़ा कर दिया। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक तो डेट डालते हैं कि रिपोर्ट का डेट क्या होना चाहिए। यहाँ पे हम लोकेशन डालते हैं कि किस लोकेशन का हमारा रिपोर्ट बन रहा है, लोकेशन। जैसे मैं यहाँ न्यू दिल्ली का बना रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे नेम वाइज टोटल बना, नेम वाइज टोटल सेल्स देना है सबसे पहले कि किस पर्सन ने कितना सेल किया है, राइट जी। तो मेरा नेम जो है वो फिक्स है, तो हमें ऐसा कुछ लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इस पे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ से लिस्ट ऑफ फिक्स नेम ले लिया, यहाँ से पूजा के आर शर्मा, एक मिनट, ये खामा का नाम रिपीट हो रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो इस नेम को लेता हूं और डैशबोर्ड में हम यहां डालते हैं सीरियल नंबर और यहां पे नेम। अब यहां पे मैं एक प्रॉब्लम है कि यहां पे आ जाता है और यहां पे मुझे क्वांटिटी डालना है। यहां पे हम रिपोर्ट में ही बनाना चाहते हैं, यहां पे क्वांटिटी क्वांटिटी और यहां पे एवरेज ऑफ MRP, समझ गए। और यहाँ पे क्वांटिटी पर, नहीं यही दो ही रखते हैं यहाँ पे, चलिए, या फिर हम यहाँ फिलहाल इसको हटा देते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे टोटल तो कर रहे हैं, राइट, बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा लगाना है जिससे हम शॉर्ट कर सकें, बात समझ रहे हैं, हम यहाँ पे शॉर्ट कर सके कि भाई इसके हिसाब से हाईएस्ट एंड लोएस्ट में, क्लियर है। तो इसके लिए आपके पास कौन सा वर्जन है एक्सेल का सर? मेरे पास 2013 है। ओके, अब 2013 है तो छोटा सा प्रॉब्लम हो गया कि आपको एक ट्रिक अपनाना पड़ेगा, अदरवाइज हम यहाँ शॉर्ट का फॉर्मूला उठाते हैं और शॉर्ट में हम अपने, अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे डेटा तो चाहिए, यहाँ पे डेटा तो चाहिए बट डेटा शॉर्ट में चाहिए, मतलब कि अपने हिसाब से शॉर्ट करूँगा। तो यहाँ अगर मैंने क्वांटिटी, दोनों तरीका मैं समझा देता हूँ, क्वांटिटी में लिया और यहाँ पे मैंने कर दिया सम इफ का फॉर्मूला, और यहाँ से सबसे पहले तो मैं टोटल निकाल लेता हूँ कि पूजा का क्वांटिटी का टोटल क्या है, राइट जी, और फिर इसको नीचे तक हम ड्रैग कर देते हैं। फिर मैं यहाँ शॉर्ट का फॉर्मूला अपनाऊंगा,
मेरे पास लेटेस्ट एक्सेल है इसलिए बोल रहा हूँ, शॉर्ट शॉर्ट में हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, पूरे डेटा को, हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब आता है शॉर्ट इंडेक्स किसका करना है, तो हमें मुझे लगा कि मुझे दूसरे क्वांटिटी को दूसरे को अकॉर्डिंग करना है। शॉर्ट ऑर्डर हमने यहाँ पे मैनुअली असेंडिंग एंड डिसेंडिंग है तो वन कर देता हूँ फिलहाल, उस वन को मैं चेंज करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे डेवलपर टैब में मैं यहाँ एक स्पाइन बटन होता है, दिख रहा है आपको? सर एक मिनट, ये मुझे समिफ तक ही समझ आया, उसके बाद क्या किया सॉर्ट का सर सर एक बार एक दोबारा। शॉर्ट नाम का लेटेस्ट फॉर्मूला होता है जो कि डेटा को लुकअप करता है बट शॉर्ट में, शॉर्ट कर दिया हमने डेटा सेलेक्ट। ये 2013 में है सर? नहीं है, मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ, जब 19 का बता रहा हूँ फिर 2013 का भी बताऊंगा, दोनों को समझ लीजिए। तो 2000 मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे वन लिखूँ, सिंपल से बात समझो, मैं यहाँ पे वन लिखूँ तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग असेंडिंग में डेटा आ जाए, अगर टू लिखूँ तो डिसेंडिंग में आ जाए, अच्छा समझे? तो ये चीज़ हम शॉर्ट से ला सकते हैं, शॉर्ट फॉर्मूला से। हमने डेटा को सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे क्या है, हमने दो कॉलम सेलेक्ट किया लेकिन शॉर्ट तो किसी एक के अकॉर्डिंग करेगा ना वो, जी तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि भाई शॉर्ट नंबर टू मतलब कि पहला और दूसरे दूसरे कॉलम के अकॉर्डिंग करे। शॉर्ट ऑर्डर क्या है, तो एक होगा डिसेंडिंग, यहाँ पे एक होगा डिसेंडिंग और माइनस वन होगा असेंडिंग, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, माइनस यहाँ पे अगर मैंने माइनस वन किया तो आ गया पंकज आ गया सबसे हाईएस्ट, सॉरी सबसे हाईएस्ट टू लोएस्ट है ना सर। अब मैं यहाँ पे वन कर दूँ तो क्या हो जाएगा, लोएस्ट टू हाईएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट, दिख रहा है ना जी। तो ये चीज़ हम यहाँ करना चाहते हैं लेकिन इस पे हम कोई बटन, ये कोई वन टू नहीं, हम कोई बटन अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा तो स्पाइन, एक हमारे पास इंसर्ट में एक स्पाइन बटन होता है, हम इस स्पाइन बटन को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, समझे, यहाँ पे अप्लाई कर दिए और यहाँ लिख रहे हैं ए असेंडिंग और यहाँ लिख रहे हैं डिसेंडिंग। अब बोलेंगे सर कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर कर देंगे, ठीक है, और कॉलम को छोटा कर देते हैं ताकि जितना ज़रूरत उतना ही रहे, राइट। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके फॉर्म कंट्रोल में जाता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि मिनिमम और मैक्सिमम है, तो मिनिमम में माइनस वन कर देता हूँ और मैक्सिमम में वन कर देता हूँ, ठीक है, और इंक्रीजमेंट में वन, और हमने सेलेक्ट कर लिया एक यहाँ का ऑप्शन C8 का, राइट, ओके करता हूँ। अब इसमें क्या है कि जीरो से जाएगा, माइनस नहीं जा सकता सर, तो जीरो एंड वन कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने ऊपर क्लिक किया तो यहाँ वन आया, नीचे क्लिक किया तो जीरो, दिख रहा है, वन जीरो वन जीरो, जी 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 जी। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ कि इफ अगर ए इक्वल टू वन है तो वन दिखे, अदरवाइज माइनस वन दिखे, ठीक है। तो मैं ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ नीचे क्लिक किया तो माइनस वन वन, माइनस वन वन, दिख रहा है जी सर। अब जो शॉर्ट का फॉर्मूला लगाया था जहाँ पे हमने वन मैनुअल सेलेक्ट कर रखा है, इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ से यहाँ करते हैं, देखिए दिख रहा है सर जी, समझ में आया कि हम क्या करना चाह रहे थे? जी सर समझ में आया, समझ में सर। बट प्रॉब्लम ये है कि एक असेंडिंग डिसेंडिंग में सॉर्ट के फॉर्मूले से हमने ये लगा दिया, ये बटन लगा दिया कि जिस हिसाब से अगर हमें चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग अपना डेटा देखेंगे। अब ये चीज मैं तो कर पा रहा हूँ बट आप नहीं कर पाएंगे। हाँ ये मेरे पास तो होगा नहीं जी। तो कैसे आप कैसे करेंगे? तो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ, राइट, अब इसको मैं थोड़ा सा ट्रिकी करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ एक सीरियल नंबर लिखता हूँ 1 2, डेटा में, और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि क्वांटिटी प्लस 1 डिवाइड बाई 1 0 0 0 0, समझे, कुछ समझ में आया नहीं सर? ये क्वांटिटी में 1 ऐड किया फिर उसको 1 लाख से डिवाइड, नहीं हाँ
हमने क्या किया, अभी हो सकता है प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ पे अगर एक नंबर 2 बार रिपीट हुआ तो एक्सेल के दोनों एक होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने 2500 यहाँ कर दिया ना, और यहाँ भी 2500 कर दिया। अब यहाँ पे ये दोनों एक्स, ये दोनों जो है डुप्लीकेट है, देखिए डुप्लीकेट है, जी बट इसी में आप यहाँ देखिए दोनों सेम दिख रहा है बट ये डुप्लीकेट नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग जी। हाँ सर, मैं आपको 15 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, मैं कहता सर क्लास में। हाँ सर, क्या बोल रहे थे? हाँ सर, यहाँ जी, देखिए, वो अब देखिए डुप्लीकेट यहाँ पे वैल्यूज थी डुप्लीकेट नहीं है, हाईलाइट नहीं हुआ। क्यों नहीं। डुप्लीकेट नहीं है? क्योंकि हमने इसमें 2 का 1 लाखवां हिस्सा ऐड कर दिया। तो अगर दो आप इसको का एक पॉइंट में लाख लेके जाएंगे ना, यहाँ पे देखिए शुरुआत, मैं भी शुरुआत में चकित हुआ था, दिख रहा है आपको सर? 2 आ गया, जी इसमें 3 होगा, 3 है, जी तो यूनिक बन गया। लेकिन जब इसका हम टोटल करेंगे तो टोटल में हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा ज्यादा, समझ गए? जी टोटल में हमारा इफेक्ट नहीं होगा। अब बोलेंगे सर इतना लंबा 1 लाख क्यों लिया? क्योंकि सर क्या होगा कि अगर मान लीजिए 2 या 3 मान लूंगा, 1000 या 2000 लूंगा, तो फिर वो डेसिमल्स बन जाएंगे। सी मान लीजिए ना, 3 0 3 0 3 3 0 हो गया तो 1 हो जाएगा, तो हमारा टोटल में ऐड हो जाएगा, 16 की जगह पे 17 हो जाएगा ना। जी इसलिए हमने इतना लंबा अमाउंट दिया जिससे जिसका टोटल कभी भी 1 हो ही नहीं सकता है, ना 1 होगा ना हमारा टोटल चेंज होगा, समझ गया? जी चलिए ये कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला, अब यहाँ पे हम यहाँ पे 1 2 3 लिख रहे हैं, यहाँ पे 1 2, ठीक है। यहाँ पे हम चूज का फॉर्मूला दे रहे हैं, चूज में हम दे रहे हैं, देखिए क्या होगा कि मुझे वो असेंडिंग जो चाहिए ना, मैंने मतलब, तो हम यहाँ स्मॉल कर देंगे, स्मॉल इस डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं और इसको चूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने कर दिया, हमने यहाँ पे कर दिया 1, सॉरी वो इसको चूज कर रहे हैं 1। सीरियल जी तो ये क्या हो गया कि सबसे पहला नंबर इसमें से दे दिया, इस नाम से कुछ का फर्क नहीं है फिलहाल, नाम को इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो इसमें से नंबर सबसे से लगा पहला था उठा के उसने दे दिया सर। जी अब इसको हम फ्रीज कर देते हैं यहां से, तो आप नीचे आप इसको जब ड्रैग करेंगे तो आप देखिए वो नंबर को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, समझ में आया आपको कि नहीं? एक मिनट, इसमें से इसने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू उठाई, हाँ, उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, सबसे पहला स्मॉलेस्ट, फिर इसने उठाया यहाँ से सबसे दूसरा स्मॉलेस्ट, फिर यहाँ से उठाया सबसे हाँ जी तीसरा स्मॉलेस्ट, समझ गया, मैं समझ गया। समझ गए? थर्ड हाँ, स्मॉलेस्ट, फोर्थ स्मॉलेस्ट, जी। तो स्मॉल के जगह पे एक लार्ज का भी फॉर्मूला होता है, इसको सेम कब करता है बट वो सबसे हाईएस्ट उठाता है। तो हाँ चूज जी को हमने यहाँ हाईएस्ट पे पे, ले सेकंड हाईएस्ट लिया, पे जी। चूज को हमने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ हमने क्या किया, लार्ज का फॉर्मूला लगा दिया, लार्ज नंबर को सेलेक्ट किए कॉमा, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। नीचे ड्रैग करने से पहले हम लार्ज को फ्रीज कर देते, कर दिए फ्रीज। अब यहाँ नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, ओ सॉरी, हमने इसको फ्रीज नहीं किया, P1 को फ्रीज कर देते हैं। अब नीचे की तरफ इसको हम ड्रैग कर देते हैं। अब मैं यहाँ 1 डाला तो असेंडिंग है, 2 डाला तो डिसेंडिंग है, समझे? ये जी। वर्क कैसे कर रहा है, लार्ज और स्मॉल फॉर्मूला है, स्मॉल हमारा असेंडिंग करता है और लार्ज हमारा डिसेंडिंग करता है। तो हमने चूज को बोला जी कि अगर यहाँ 1 हो तो स्मॉल चलाओ, 2 है तो लार्ज चलाओ, ला चलो जी, बट इसका नाम कैसे इसके साथ आएगा, प्रॉब्लम ये भी तो है क्या सर, क्या सर? इसका नाम कैसे आएगा यहाँ पे, ये नाम, तो अच्छा, नाम के वो भी चीज साथ आएगा। अब जैसे अभी यहाँ से चलिए मैं ये चीज़ हटा देता हूँ, ये शॉर्ट हटा दूँ ना, जी शॉर्ट हटा देता हूँ, क्योंकि शॉर्ट आपका, शॉर्ट से तो आपका होगा नहीं काम। तो सबसे पहले मैंने इसको ऑफसेट का फॉर्मूला लगाया, ऑफसेट का फॉर्मूला लगा के हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सॉरी ये नंबर चाहिए ना, मैं ये नंबर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कॉमा,
जीरो कमा जीरो कर दिए, और इसको नीचे तक हम ड्रैग कर देते हैं। बट नेम में चाहिए सर, ये तो नेम में सॉरी तो सॉरी, हाँ नाम ने गलत कर दिया, और सॉरी हमें इसमें करना था ना यहाँ पे। ठीक है आ गया, हम इसको डायरेक्ट लिंक भी कर सकते हैं, ऑफसेट ऐसे ही लगा दिया, हम डायरेक्ट इसको इक्वल प्रेस करके भी कर सकते थे समझे इस तरह, लेकिन हमने ऑफसेट लगा दिया कि हम इसको ऑफसेट से भी कर सकते हैं राइट। अब नेम कैसे आएगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ मैच का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैच इस नंबर को हम यहाँ इसकी ओरिजिनल जो है इसमें सर्च करेंगे कॉमा जीरो, तो ये आ गया 12, मतलब ये 12 नंबर सिक्वेंस पे है समझ गए, मतलब मुझे यहां से 12वां नंबर ये उठाना होगा पंकज राइट जी। तो ये तो हम उठा सकते हैं, इंडेक्स फॉर्मूला लगा लीजिए, ऑफसेट लगा लीजिए, जो लगाना लगा सकते हैं क्या जी। तो यहां से इंडेक्स उठा लिया और हमने यहां पे एंटर मार दिया, आ गया पंकज। नीचे ड्रैग करने से पहले मैं इसको जी। अब ये तो हमें डेटा यहाँ पे दिख गया, बट इस बटन से लिंक होना चाहिए ना जी। तो हमने यहाँ पे गए फॉर्मेट कंट्रोल में, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने किया मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 2, और ये जो था C8, C8 के जगह पे डेटा में जहाँ हमने मैनुअल 1 लिख रखा है ना यहाँ पे 2 1 2 लिख रखा है, उसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके कर लिया। ठीक है, तो यहाँ हमने क्लिक किया डिसेंडिंग और ए असेंडिंग, तो अब यहाँ थोड़ा सा चेंज करना होगा डिसेंडिंग और यहाँ पे असेंडिंग। ठीक है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग राइट। अब इसको सिलेक्ट करके हमें कोई विजुलाइजेशन आपको करना है, कोई चार्ट बनाना है, तो यू कैन क्रिएट द चार्ट। समझ गए, हम इसको ऊपर ही रखते हैं राइट, यहीं पर यहाँ 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 नीचे रख देते हैं सही जी। और एक क्वांटिटी को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और हेडिंग हमें यहाँ चाहिए ना, हम यहाँ एक हेडिंग क्रिएट कर देते हैं। सेल टोटल कस्टमर ईयर 2021, और यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ओके, और इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ इसको मैच कर देते हैं। इन दोनों को भी हम ब्लैक कर देते हैं और वाइट कर देते हैं एंड बोल्ड, अब बीच में लाइनिंग चाहिए होगा हमें यहाँ पे, तो राइट क्लिक फॉर्मेट कंट्रोल फॉर्मेट सेल सॉरी, और बॉर्डर हमने यहाँ से एक मोटा बॉर्डर लिया और इसको वाइट करके ऊपर में दे दिया। अब समझ में आ गया जी, यहाँ से 1 2 जो लिखा हुआ है उसको डिलीट कर दीजिए। बेटर है सर जी, समझ में आ गया आपको ये जी जी जी। चलिए अब यहाँ पे हम एक सेपरेशन बनाते हैं, लोकेशन वाइज भी करेंगे, हाँ देखते हैं। ठीक है, क्लियर है जी। अब यहां पे हम क्या करना चाहते हैं,
बताता हूँ आपको। हम यहाँ ये करना चाहते हैं कि एक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, मैट्रिक्स रिपोर्ट, समझे। हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि किस सिटी के किस एरिया में कितनी कितनी सेल हुई है, समझे। जी, क्या 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 किस बोल सिटी के किस रहे हैं? एरिया में कितनी कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, क्लियर है। ओके, किस सिटी के किस एरिया में कितने हाँ, तो हमने यहाँ से सिटी को उठाया, डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ, और यहाँ हम यहाँ एक सेम इसी चीज़ को फॉलो हम करेंगे। सीरियल नंबर, नेम, सीरियल नंबर, सिटी, सिटी यहाँ लिखेंगे, और मैट्रिक्स रिपोर्ट होगा एरिया? यहाँ पे सिटी लेंगे, और एरिया जो हमारा होगा ना सर, वो एरिया हॉरिजॉन्टल होगा, ना कि वर्टिकल, ठीक है। तो ये सिटी को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। इस एरिया को क्लिक कॉपी किया, डैशबोर्ड पे गए, और यहाँ राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। और यहाँ भी क्या करेंगे अच्छा, हम, यहाँ भी हम करेंगे सम इफ्स का फॉर्मूला डायरेक्ट यहीं लगाएंगे, सम इफ्स। डेटा में हमने बोला रेंज हमारी क्वांटिटी है, मान लीजिए क्राइटेरिया वन रेंज है हमारा सिटी, डैशबोर्ड में आपने हमने सिटी को सेलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया टू रेंज जो हमारा है वो हमारा एरिया है, हमने एरिया को सेलेक्ट कर एरिया लिया, और एरिया को सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ हमारा एरिया ऊपर नॉर्थ है, टोटल हो गया। अब ड्रैग करने से पहले हम चीज़ों को फ्रीज कर देते हैं। इसको हाँ, अब एन टेन है तो आपका एन टेन का सिर्फ एन फ्रीज होगा, ये डैशबोर्ड हटा देता हूँ मैं, 1 मिनट, कॉमा होगा, इसका एन फ्रीज होगा सिर्फ, राइट। तो 10, 11, 12 होना चाहिए, और ई वाई ई हो गया हमारा, और यहाँ जो ओ नाइन है, ओ नाइन का 9 फ्रीज होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि हर सिटी में एक ही एरिया है ना, तो चलिए थोड़ा सा एरिया को रिपीट करते हैं यहाँ पे। अभी मुझे डेटा को थोड़ा सा बनाना है यहाँ पे, समझे। तो मैं यहाँ लगाता हूँ फॉर्मूला रैन बिटवीन, देखिए कैसे फॉर्मूला बनाता हूँ। एक चीज़ और भी यहाँ पे एक सीखने लायक बात हो जाएगी आपको, हालांकि इसके ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है, मुझे रैंडम कहिए, क्योंकि मुझे जो मेरी जो प्रॉब्लम हो गई कि मेरा जो एरिया है किसी एक में, क्योंकि मैंने वो ड्रैग कर दिया था, ठीक है ना। तो रैन बिटवीन का फॉर्मूला इसमें लगाया, चूज में हमने बोला 1 से लेके 4, ठीक है, और कॉमा हमने बोला पहले पे होगा, दूसरे पे ये होगा, तीसरे पे होगा, चौथे पे होगा, पांचवें पे होगा, ठीक है। बट इसको हमें फ्रीज करना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी नीचे ड्रैग में, और हमने नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, ठीक है सर। देखिए अब सबका आ गया, हाँ सेंट्रल नहीं जी, आया, सेंट्रल को मैं जो नहीं, 1 से 4 ही था, माफ कीजिएगा, हमें 5 करना था ना। आज तक हाँ, अब देखिए आपका सेंट्रल भी आ ये गया। सर 1 मिनट, मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, ये हमने क्या किया है दोबारा? अरे सर, मुझे रैंडमली सिटी देना था, यहाँ पे देना था, तो मैंने बोला कि रैंडम में 1 से 4, रैंडम क्या करेगा, कभी 1 देगा, कभी 2 देगा, कभी 4 देगा, उसी हिसाब से नंबर यहाँ दे देगा, उठा के दे देगा आपको, तो किसी में साउथ देगा, किसी में वेस्ट देगा, किसी में ईस्ट दे देगा। अच्छा, अगर अगर 1 हुआ तो नॉर्थ, 2 हुआ तो ईस्ट, ऐसा। हाँ, रैंडम और पे उसमें, अच्छा, उस नंबर में से कोई भी रैंडम नंबर लेगा और उसके अकॉर्डिंग जी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल दे देगा। जी, ये हम लोग डेटा बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। जब आप ऑटोमेशन करेंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आपको ऑटोमेशन समय डेटा प्राप्त नहीं होगा ना, हर एंगल से डेटा चाहिए जी इस केस में, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने ये कर दिया, अब यहाँ जो हमने किया है ये तो ठीक है, अब मुझे इसमें क्या इसमें करना है? पहले पहले जब हमने ये नहीं लगाया था तो तब उसमें ये जीरो क्यों आ रहा था, मतलब तब सर ये क्यों उसमें नहीं आया? डेटा में वो एरिया नहीं था। अच्छा, अगर सिटी जैसे मुजफ्फर मुजफ्फरनगर है उसमें इसमें कोई मतलब क्वांटिटी है ही नहीं, मतलब जी ऐसा। जी 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 सही सही सही, ठीक है। सीरियल नंबर चेंज करना सॉरी एक ही लेवल ड्रैग कर दिया इसलिए। हो गया। जी। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको एक काम करता हूँ मर्ज, इसको चार एरिया लेके मैं इसको करता हूँ मर्ज, मर्ज में ऐसे मर्जी मर्ज एक क्रॉस करता हूँ एक 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 मर्ज। और मैं चाहता हूँ कि इसमें इसका एक एक यहाँ पे इसका एक अलग चार, अलग अलग सेल में अलग अलग चार्ट्स आए, समझ रहे हैं? अच्छा तो हमने क्या किया इसमें, हमने इसमें यहाँ आपके इंसर्ट में एक होता है आपका ए कॉलम दिख रहा है सर, जी, कॉलम या बिल लाइन भी कर सकते हैं, मैंने मान लीजिए इसको ले लिया तो लाइनिंग भी आपको आ जाएगी इस तरह से, और रेफरेंस नॉट वैलिड, एक मिनट, मैंने लाइन लिया और यहाँ से डेटा रेंज हमने दे दिया। अच्छा आप यहाँ ही काम करते हैं, यहाँ रखते हैं तो हो जाएगा। आई थिंक मर्ज सेल पे वर्क नहीं करता है, मर्ज सेल पे वर्क नहीं करता, माफ कीजिएगा। तो यहाँ से मर्ज मुझे हटाना पड़ेगा, एक ही सेल को बड़ा करना होगा, ठीक है? थोड़ा सा छोटा जी करता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट में स्पार्क लाइन इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, सबका लाइन आ गया। ओके। अब इसमें अगर आप क्या बोलते हैं, ये नहीं चाहिए आपको, ऐसा ठीक नहीं लग रहा है, तो वी हैव अप्लाइड अनोदर, इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ इंसर्ट में हमारे पास होता है लाइनिंग, लाइनिंग हुआ और लाइनिंग में हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और इसको और बेटर दिखाने के प्रॉब्लम लिए मुझे इस पे इस ये करना पड़ेगा, इसको यहाँ से स्पार्क लाइन की भी अपनी एक फॉर्मेटिंग है जो आप ले सकते हैं, कॉलम है आपका, अपनी इसकी एक अलग फॉर्मेटिंग है वो चूज कर सकते हैं, कलर वगैरह है तो कलर अपने हिसाब से ले सकते हैं जो कलर आपको चाहिए, सॉरी स्पार्क लाइन कलर, मैं यहाँ पे रेड चाहता हूँ तो रेड हो गया, या कोई और कलर चाहिए आपको, जैसे मैं चाहता हूँ ग्रीन तो ग्रीन हो गया, और थोड़ा छोटा करना चाहिए तो यहाँ छोटा कर दीजिए। लेकिन ये चीज़ कब दिखेगी, जब आपका कॉलन बड़ा हो, समझे? जी। तो थोड़ा सा कॉलम को बड़ा करेंगे तो बेटर दिखेगा, लेकिन यहाँ ये अगर बड़ा करते हैं तो आपका ये यहाँ से बिगड़ जाता है, क्योंकि तो पूरा कॉलम बड़ा होता है ना, हाँ, वो बिगड़ गई। ठीक है? समझ में आया सर कि नहीं? क्योंकि जी। इतना लंबा ये नहीं कर सकते ना, क्या बोलते हैं, इतना ज़्यादा इस पे इतना ज़्यादा पे चार्ट्स नहीं लगा सकते ना हम, लगा सकते हैं चार्ट्स सर, इसमें बाकी तो सही हर किसी का अलग अलग चाहिए, तो है, यहाँ मैं पे अलग अलग सोचा लाइनिंग्स का अगर। सामने दिखे, तो बेसिकली यहाँ पे हम तो ये लगाया, लेकिन हम लोग ज़्यादातर स्पार्क लाइन में हम लोग लाइन ही लेते हैं, लाइन को ही दिखाते हैं सर, ठीक है? ज़्यादातर हम लोग वो भी ब्लैक में यहाँ ले लेते हैं, सर इसमें जैसे मुझे ये तो पता लग नहीं रहा कि क्या
मतलब नॉर्थ का कौन सा है, ईस्ट, अगर मैं सिर्फ नहीं लाइन को बेसिकली नहीं देखूं। समझे, बेसिकली यहाँ इसकी लोकेशन, इसकी प्लेसमेंट गलत हो सकती है, लेकिन ये जो स्पार्क लाइन वाला सिस्टम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए मंथली सेल, यहाँ पे नॉर्थ है, इसके जगह पे मंथ होता, तो आपको पता चल जाता है कि मंथली सेल गिरा है या मंथ में उठा है, ठीक है ना आपको सर? हाँ, उसके लिए तो सर सही है कि हाँ, अगर हमारा सेल नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब या कांस्टेंट है, हाँ ठीक बट है, इस केस में तो समझे। इस केस में यहाँ पे कंपेयरिंग के लिए आपको जो मैंने बताया था ना, स्पार्क लाइन वाला वो करना था आपको, तो नंबर से हाँ, काउंट हो वो तो भी जाता है, सही है। हाँ नंबर से काउंट होता है। जी, अब कुछ लोग और भी हैं जो कि वन बाय वन यहाँ इस पे लगा देते हैं ना, यहाँ पे लगा देते हैं, नीचे लगा देते हैं, एक एक लाइन छोड़ के, समझे कि नहीं? जी जैसे कि स्पार्क यहाँ पे क्या करेंगे वो लोग, यहाँ मिल पे गए, एक 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 लाइन यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो गलत हो, तो बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क हो जाता है ना, तो आप अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकते हैं, राइट? जी सर। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका हमारा हो गया। अब यहाँ पे एक लाइनिंग हम देते हैं, और यहाँ जो खाली जगह बचा हुआ है, यहाँ पे अपना लोगो वगैरह आप लगा सकते हैं, और भी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? जी यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स हम यहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं मैक्सिमम सेल क्वांटिटी, ठीक है, और यहाँ पे हम मैक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, मैक्स, और यहाँ से हम क्वांटिटी में से मैक्स निकालते हैं, इसको भी बोल्ड करते हैं और इसको भी बोल्ड करते हैं, ठीक है, जी इन दोनों को पकड़ के हम ये करते हैं बॉर्डर, इसको मर्ज करते हैं, मीन सेल क्वांटिटी, मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, कि सबसे छोटा सेल जो है 10 का हुआ है ना, इसलिए इसको बोल्ड करते हैं, इसको बड़ा करना चाहे तो हम यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, इसको बड़ा करना चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, ठीक है सर? यहाँ पे होता है एवरेजी, एवरेज एमआरपी, सॉरी ये तो नीचे लिखना था ना, यहाँ पे हमने कट किया, यहाँ हमने एवरेज एम आर पी इक्वल क्यों आ गया इसमें, और इसको हम एवीजी एवरेज का फॉर्मूला लगा देते हैं, एवरेज डेटा में जाते हैं और हम एमआरपी का एवरेज निकाल देते हैं, और ये इस तरह का आ रहा है, तो यहाँ से हम दो इसको, हाँ, या एक में कर दीजिए या दो डेसिमल प्लेस में कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है सर? जी और यहां कुछ और शो करना चाहते हैं, अब यहाँ पे हम क्या शो करना चाहते हैं बताते हैं, चलिए, तो बेसिकली हमने, हमारा जो टोटल सेल है कितना है, टोटल सेल हमारा, हमने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा दिया, सम हमने ये लगा दिया, ठीक है, सर।
समझे 37,400 इतना है, राइट। जी और हमने हमारा ये था कि पर बिल पे, यहाँ पे हम काउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, काउंट, तो काउंट में हमने यहाँ पे काउंट निकाला, माइनस वन कर देंगे, यहाँ पे ये आता है काउंट हमारा 7500, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ये ऐसा क्यों होंगे ये क्या हुआ 690। सर वो हमने बोर्ड मास मेथड को फॉलो नहीं किया है इसलिए, अच्छा आ गया टोटल। जी तो ये हमारा टारगेट था, समझे। जी तो क्या था कि हमें इतना चाहिए था, हमने इतना लाया था, कितना हमने अचीव किया इसका एक चार्ट हम बनाना चाहते हैं, राइट। ओके तो हम इन दोनों को टोटल कर देते हैं, फिर इन तीनों पे हम चार्ट बनाते हैं। कौन सा चार्ट? ये चार्ट। हाँ अब ये चीज़ मैं बताया था ना आपको, याद होगा कि हम इस पे राइट क्लिक जी करते हैं और जाते हैं फॉर्मेट सेल में और इसको हम 270 डिग्री के जी एंगल में रोटेट कर देते हैं, हो गया। और इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको कर देंगे नो फिल, तो 50% आ जाएगा, नो ठीक है। अब इसको जो हमने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है ऊपर में, अब इसको मैं कर देता हूँ ग्रे, इसको कर देते हम सॉलिड फिल ब्लैक, ठीक है। और इसको करते हैं छोटा और कट करके ले जाते हैं डैशबोर्ड पे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, इसकी जो बैकग्राउंड एरिया है ना, फॉर्मेट चार्ट एरिया, इसकी जो बैकग्राउंड एरिया है उसको नो फिल कर देते हैं, ताकि अब बॉर्डर जो है इस बॉर्डर को भी नो फिल कर देते हैं ताकि पता नहीं चले कि चार्ट कहाँ पर है और उसको हम सही जगह पे पैलेस कर, ठीक है सर। इसमें सर फर्दर और कुछ बटन, अभी जैसे मैंने एक ही बटन यूज किया। जी हाँ करेंगे, अभी कर रहे हैं ना सर, ये बताया था ना हर चार्ट 2 दिन तक यूज होता है ना, 2 दिन का चलता है उसका, जी ठीक है, जी क्लियर है सर। जी इसकी लाइनिंग दिख रही है ना, लाइन दिख रहा है आपको, तो राइट क्लिक कर सेलेक्ट करके प्लॉट फॉर्मेट चार्ट एरिया और यहाँ फिल में बॉर्डर में नो बॉर्डर कर देता हूँ, तो बॉर्डर नो नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है। नो और सब यहाँ पे हम कर देते हैं टोटल, अच्छा इसका ये करना पड़ेगा ना ग्रीन एंड वाइट, हाँ टोटल ऐसे ही अचीव ए अचीव काउंट टारगेट, ठीक है क्लियर है। जी अब यहाँ पे एक तो ये हो गया, अब दूसरा यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं एवरेज एमआरपी, AVG MRP, तो यहाँ पे हम एवरेज लगाते हैं, एवरेज हमने इसको ले लिया, ये हमारा एमआरपी आ गया 47, राइट। हाँ एमआरपी ले क्वांटिटी ले लिया शायद। सर को माफ कीजिए, क्वांटिटी ले लिया 51, लेकिन होना चाहिए था 100, क्या होना चाहिए था 100, तो हमारा टारगेट 100 एमआरपी की होती है, मतलब प्राइस की, समझे। बट कस्टमर के साथ डील करते समय जितना हम करते हैं, ये आपका टोटल हम प्लस कर देते हैं, ठीक है जी। अब इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद इस पे हम चार्ट बनाते हैं, सेम सेम चार्ट, चार्ट भी इसमें सेम लगाएंगे, ठीक है। राइट क्लिक फॉर्मेट चार्ट एरिया और इसको हम कर देंगे फिल में, नहीं इसमें अलाइनमेंट में 270 डिग्री, फिर इसको जो सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको कर देंगे नो फिल,
और पूरे को सेलेक्ट करके कर देंगे नो बॉर्डर। इसको सेलेक्ट करेंगे और हम बोलेंगे कि इसकी जो सॉलिड फिल है वो ब्लैक होनी चाहिए, इसकी जो सॉलिड फिल है वो ब्लैक के जगह पे हम क्या चाहते हैं, ग्रे। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं चार्ट टाइटल, और फिर इसको सेलेक्ट करके इसका जो सॉलिड फिल है, सॉलिड फिल नो फिल कर देते हैं ताकि पीछे का, और नो बॉर्डर कट करते हैं। और कट करने के बाद हम जाते हैं डैशबोर्ड में और एक पेस्ट करते हैं, और यहाँ हम इसको छोटा कर देते हैं। ये लाइनिंग दिख रहा है, इसकी लाइनिंग नहीं होनी चाहिए ना सर। बॉर्डर नो लाइन, नो लाइन। इसको छोटा कीजिए, और छोटा, और छोटा, आई थिंक काफ़ी है, थोड़ा सा हटा देते और थोड़ा सा इधर से। ठीक है, क्लियर है। इसमें इसमें हम कर देते हैं ऐड डेटा लेवल, एक मिनट, डेटा लेवल को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल में लेवल पे आते हैं, और इसमें लेवल ऑप्शंस पोजीशंस नंबर पे, नंबर में इनसाइड यहाँ पे हम कर देते हैं हैश कॉमा यहाँ पे के। ठीक है, जी, और ये जो आता है शो इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड इनसाइड बेस्ट फिट है तो यहाँ पे इनसाइड कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं। ठीक है, और इसकी कलर जो है वो कर देते हैं वाइट, बट ये नहीं हुआ, 37K ने लिया इसने। अच्छा, हाँ एक मिनट, उसको ऐड करना पड़ता है यहाँ पे, हमने जस्ट लिख दिया था कॉमा करना यहाँ पे के, हैश के, यहाँ पे ऐड कर हैश कॉमा उस तरीके। हैश ठीक है, जी। इसमें भी हम सेम ऐड डेटा लेवल, ठीक है हो गया, और इसमें भी सेम हम ऐड डेटा लेवल, बट इस तरह से आया, राइट क्लिक, फॉर्मेट बटन पे आते हैं सबसे, तो इसे ये करते हैं सेंटर करते हैं, और इसमें हम देते हैं सिर्फ एक हैश, और इसकी कलर वाइट। ठीक है, और ये हमारा 100 सही तो है, इसको 100 बाकी उसको करने की जरूरत है ही नहीं, हो गया सर। बट ये नीचे किसका है कैसे पता चलेगा, अब प्रॉब्लम है कि एक ही सेल में हमने लिख रहा, यहाँ एक ही सेल में दे रखा है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, यहाँ पे आते हैं F2 प्रेस करके स्पेस, हमने यहाँ पे ये दे दिया, ये वाला फिगर हमने दे दिया, और हमने यहाँ पे कर देता हूँ AVG MRP एनआरपी ACH। जी ठीक है, जी तो अच्छा फिट हो रहा है। ठीक है, और इसको जी सेलेक्ट करके हम मर्ज कर देते हैं, और मर्ज करके यहाँ इसका टाइटल दे देते हैं, वाइट कर देता हूँ इसको कलर, सेल्स पॉइंट पॉइंट अचीव। ठीक है, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, मैं तो बस तरीका बता रहा हूँ आपको सर, जी समझ में आ गया। जी सर, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब मुझे अपने इस डेटा पे हर एक सेल को दर्शाना है, हर एक सेल को, बात समझ सेल रहे हैं? और एक सेल को उसको शो करना है जी हाँ, कौन से वाले सेल? हम्म,
मतलब जितनी क्वांटिटी सेल हुई है हर एक को यहाँ शो करना है हमें। बात समझ रहे हैं कि नहीं सर? जितनी क्वांटिटी मेरी सेल हुई है जी जितनी क्वांटिटी मेरी सेल हुई है, जी, जो सिंपल से मैं कहूँ कि पूरा का पूरा डेटा मुझे इस पे शो करना है। समझ रहे हैं कुछ सर? थोड़ा बहुत सर। कि पूरा का पूरा डेटा तो आएगा कैसे सर? क्या नहीं, ये तो बाकी अभी तक जो किया वो समझ आया। अभी मुझे शो करना है कि जितनी मेरी क्वांटिटी सेल हुई है। मैं पूरा डेटा शो करना चाहता हूँ। अगर किसी को मान लीजिए कि असेंडिंग डिसेंडिंग का टोटल देखा, किसी को डेटा देखना है कि सेल क्या हुआ, तो डेटा में ना जाके यहीं पे डेटा देख ले अपना। बात समझे? अच्छा जी, जैसे मैं यहीं पे आई इसको लेता हूँ आईडी, यहाँ इसको प्रिंट करता हूँ, राइट? और ये पूरा डेटा यहीं पे आना चाहिए। ओके। कैसे आएगा? तो जैसे आप सीट को देखिए, सीट एक बार में कितना दिखा रहा है? 25 डेटा ही दिखा रहा है ना। जब यहाँ स्क्रॉल करते हैं तो क्या होता है, 2 से 28 है, स्क्रॉल करते हो जाता है 2 से 29 30, दिख रहा है सर? तो जी। हम सेम इस सीट वाले कंसेप्ट को इतने एरिया में अपनाएंगे। कैसे? देखिए, हमने यहाँ पे मैनुअल 1 लिखा और यहाँ पे फॉर्मूला दिया ऑफसेट का। ऑफसेट डेटा में गए, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा हमने यहाँ आए और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब कॉमा 0, तो 1 आ गया। अब मुझे इसको आगे ड्रैग करना है, तो डेटा का A1 जो है हमारा, 1 हमारा फ्रीज कर देना है हमें, और 26 फ्रीज होगा हमारा। हम नीचे ड्रैग कर देते हैं इसको, तो आप देखेंगे सब पे 1 आ रहा है। लेकिन एक मिनट, मैं इसको डैशबोर्ड वाला जो लिखा हुआ ना, डैशबोर्ड हटा देता हूँ, यहाँ नीचे की तरफ बैक करता हूँ। अब यहाँ पे आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ और यहाँ पे मैं कर दूँ +1, तो ये 2 दिख जाएगा। ये 2 इसको जी, रिप्रेजेंट करता है, सीरियल नंबर को नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ओके। 2 आ गया। अगर मैं इसमें H26 में +2 कर दूँ तो 3 आ जाएगा, +4 कर दूँ तो क्या जाएगा, दिख रहा है ना सर इस तरह से? जी, तो यहाँ सॉरी, हमने 4 कर दिया, 3 करना था ना, हाँ 3। +3 करना अब था। यहाँ पे जैसे 1 है, अगर मैं इसको 2 कर दूँ तो अब क्या हो जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा। अगर 2 से 5, अब इसको इसको ध्यान मत दीजिए, इस पर फॉर्मूला चेंज नहीं किया मैंने, जी ठीक है ना? अब फिलहाल इतने इतनी लोकेशन को सोचें, 2 से 5 आ गया। अब मैं 3 करूँ तो क्या हो जाएगा, 3 से 6 आ गया। सिक्स अब मुझे सब में सेवन नीचे हाँ प्लस वन जी प्लस वन प्लस वन करना है, तो लेकिन प्रॉब्लम वही है कि मैनुअल करेंगे और अभी तो चलो 10 12 है, ज़्यादा होगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो हमारे जी पास एक रो का फॉर्मूला होता है जो कि उस नंबर रो रोका। नंबर हाँ जी, दिखाता है। 27 दिखा दिया, अगर मैं इसमें से -27 कर दिया तो 0 हो जाएगा। जीरो, बिल्कुल नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, जो हमें यहाँ चाहिए, वो यार है ना सर? जी तो क्यों ना हम जी इस फॉर्मूले में कर देते हैं प्लस ब्रैकेट में रो और इसमें से -27, सॉरी ब्रैकेट क्लोज नहीं किया मैंने, हाँ इसको ब्रैकेट क्लोज करना होगा। ओके, अब इसको नीचे की जी तरफ ड्रैग कर दिया और यहाँ 1 देता हूँ, तो A1 से लेके 15 तक आ गया। 15 तक। ओके, अब इसी, समझ गया हाँ इसी डेटा को फिर यहाँ हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे जो कॉलम नंबर ए है, सॉरी इसको ड्रैग वो करूँगा, चेंज हो हाँ जाएगा। ड्रैग करना है मैं सिर्फ बस। हो गया सर? अब यहाँ पे मैंने 1 किया तो 1 जी, दिखेगा, 2 किया था 2 बढ़िया से, 3 किया 3 दिखेगा, वो डेटा दिख रहा है सर? जी। 3 से 4 से जी, समझे? अब इसको उठा के मैं ऊपर यहाँ बॉर्डर पे रख देता हूँ सर, अच्छा
यहाँ पे कुछ और करना है ना हमें, यहाँ फिलहाल इसको कर दो, बाद में इसको कलर ब्लैक कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पे चाहिए एमआरपी हो गया, यहाँ मुझे चाहिए अमाउंट, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ, क्योंकि डेटा में कैलकुलेशन नहीं है बट यहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेशन भी करना है, इसलिए यहाँ पे लेके आया है मल्टीप्लाई बाई, इसको कर देते हैं, आ गया। देन हमें यहाँ लिखाना है GST, ठीक है, इसका 18% GST आ गया। इसके बाद टोटल यहाँ पे कमीशन नहीं, टोटल यहाँ टोटल कर देते, कमीशन नहीं सर, टोटल टोटल। देन सम हमने इन तीनों को ले, इन लोगों को ले लिया, आ गया सर। अब मैं यहाँ पे डेवलपर में जा रहा हूँ और यहाँ से जो ये दिख रहा है आपको सर स्क्रॉल बार, इस स्क्रॉल बार को यहाँ से चूज कर रहा हूँ, स्क्रॉल और इसको लाइक करें, फॉर्मेट कंट्रोल में आता हूँ, इसको 3D है ये है। यहाँ पे मेरा डेटा कितना, अपने एक बार डेटा देख लीजिए, आपका डेटा जो है ये आपका 796 तक है ना, तो 796 और ये कितना है 17 15, तो माइनस ऐसे ऐसे यहाँ पे प्लस 796 माइनस 15 तो कितना आया 781। तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में हमें क्या करना है कि यहाँ मिनिमम वैल्यू 1 होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए 781, सॉरी 81, राइट। हर क्लिक पे एक चीज होना चाहिए और क्लिक जब हो तो यहाँ पे अपडेट करें। तो यहाँ देखिए क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे क्लिक होगा ना, दिख रहा है जी, तो हम इसको आराम से स्क्रॉल कर सकते ठीक हैं, आराम से इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, कर रहे हैं ना जी, क्लियर सर जी सर। तो इस तरह के स्क्रॉल में हम पूरा का पूरा डेटा दिखा रहे हैं ना सर अपने रिपोर्ट में विद कैलकुलेशन जी, ये सर बहुत बढ़िया चीज लगी। हाँ तो ये चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, और भी चीजें यहाँ पे दिखाना चाहे, जैसे कि हम यहाँ पे टोटल करना चाहते हैं, करेंट व्यू का टोटल मान लीजिए, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है बट यू कैन डू इट, ठीक है सर। यहाँ पे इस तरह का टोटल करना दिखाना चाहे तो टोटल दिखा सकते हैं, बाकी भी कर सकते हैं टोटल, राइट जी। समझ में आया जी, कोई डाउट इसमें नहीं? अच्छा, ये सिर्फ जो करंट व्यू का हमारा टोटल आता जी रहेगा जी, क्लियर है ना जी, समझ में आ गया सारी चीजें। तो यहाँ पे हम इस तरह से चार्ट बना रहे हैं, राइट। अब यहाँ हम कुछ छोटे छोटे विजुलाइजेशन करना चाहते हैं, ये हो गया हमारे। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो आ गया टोटल सिटी वाइज ईस्ट वाइज, अब यहाँ पे भी हम क्या करना चाहते हैं कि जोन के हिसाब से हम अपना कंट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं, किस जोन में क्या सेल हुआ, एंड हम यहाँ सिटी सेलेक्ट करना चाहते हैं, राइट। लेकिन ये जो हम जो यहाँ करना चाहते हैं, हमें यहाँ पे मान लीजिए हमें यहाँ पे चार्ट चाहिए, ये जो सिटी आपको ये दिख रहा है ना सर, ये सिटी वाइज है, हम यहाँ पे एक रिपोर्ट निकालना चाहते हैं इसके हिसाब से कि जोन एंड जोन के हिसाब से बट सिटी वाइज, क्लियर है जी। जोन के हिसाब से मेरा जो भी मतलब जो भी एरिया है उसमें जो सिटी है, बट अब जैसे वेस्ट है, वेस्ट में अगर मेरा कई सारे सिटी हैं। हाँ तो मैं वही चीज करना यहाँ देखिए बताना चाहता हूँ, एक मिनट एक मिनट, मैं ये हमारा जो है हमें जोन वाइज यहाँ पे चाहिए कि किस जोन का कितना टोटल है,
समझ रहे हैं सर? मैं बेसिकली क्या है ना कि मैं यहाँ पे बेसिकली मैं सिटी वाइज ये चाहता हूँ, चार्ट चाहता हूँ मैं सिटी वाइज। ये ऊपर भी देखा है, यहाँ भी देख किया जा सकता है। तो सिटी वाइज लेना है, एरिया वाइज लेना है, कंपेयरिंग लेना है, तो यहाँ भी इसको भी लेके चल सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे 1 लिख देता हूँ फिलहाल मैनुअली। मैं क्या करना चाह रहा हूँ बता देता हूँ आपको। ऑफसेट, ऑफसेट मैंने रेफरेंस दिया यहाँ से ऊपर, कॉमा 1, कॉमा 0, ठीक है। और हमने इसको कर दिया फ्रीज, और फ्रीज करने के बाद हमने आगे की तरफ ट्रैक कर दिया। अब इसके ऊपर आरे के ऊपर डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा नीचे रखना होगा, और ए ही चाहिए होगा सिटी, और ए जो है ना ए हमें हेडिंग चाहिए होगा। और हमने इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट, हम यहाँ पे कॉलम चार्ट ले रहे हैं। अच्छा समझ गया सर। अब जैसे ही अगर मैं उसको टू करूंगा दूसरी सिटी आएगी और उसके अकॉर्डिंग उसका तो चार्ट मैं बनेगा। टू वगैरह नहीं, अच्छा मैं यहाँ पे टू वगैरह में नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो मेरा सिटी लिस्ट है मेरे चार्ट के ऊपर ही फिक्स हो जाए, अच्छा समझ गया मैं आपको। ठीक है। तो हमने डेवलपर में गए और यहाँ इंसर्ट, हमने यहाँ से कॉम्बो बॉक्स ले लिया, कॉम्बोक्स लिया, कॉम्बोक्स को डिजाइन किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, और यहाँ पे इनपुट रेंज मतलब कि लिस्ट क्या आना चाहिए, हमने लिस्ट को इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेल लिंक में हमने दे दिया अपना ए वाला नंबर, 3D चाहिए, 3D कर दिया। जैसे मैं यहाँ से यहाँ पे मान लीजिए मैं सेलेक्ट किया मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर का सेल आ गया, से पटना सेलेक्ट हो गया। ये उसमें जो आपने जो डायनेमिक चार्ट का जो भेजा था वो हाँ उसमें हाँ था। उसमें अच्छा हाँ, तो कुछ चीज़ भी आप यहाँ इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ नया करना है आपको कि इसको उल्टा कर सकते हैं, और टोटल ऊपर हमने दिखा दिया है तो यहाँ दिखाने की इस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है सर, क्योंकि हम ऑलरेडी टोटल ऊपर टोटल दिखा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं कि उल्टा कर सकते हैं या कोई और ले सकते हैं यहाँ पे, और ये जो हमने यहाँ पे पटना सेलेक्ट किया और ये जो टोटल आ रहा है इस डेटा से आ रहा है ना, हम चाहते हैं कि डायरेक्ट मेरे डेटा से कैलकुलेट हो गया है। ये चीज़ भी आप कर सकते हैं डायनेमिक नेम सिस्टम से, ठीक है। हेलो, हाँ जी। डायनेमिक नेम सिस्टम से आप ये भी कर सकते हैं। तो ये फाइल मैं आपको सेव करके भेज रहा हूँ, भेज दीजिए। और आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जी।